किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान से। किसान भाइयों, आज मैं आपको जो मैं किस प्रकार अपना जैविक खाद बनाता हूं, जो वर्मी कंपोस्ट है वो बनाता हूं, जिसमें मैं दो प्रकार के वर्मी कंपोस्ट बनाता हूं। एक सिंपल वर्मी कंपोस्ट है जिसमें सिर्फ गोबर और पत्तियां होती हैं, और दूसरा मेरा प्रोम है जिसमें गोबर पत्तियों के अलावा 20% मैं रॉक फॉस्फेट यूज करता हूँ। आइए मैं बताता हूँ। आप ये ढेर देखेंगे, ये जो ये पत्तियाँ पड़ी हैं, ये देखिए, ये जो पत्तियाँ पड़ी हैं, ये जो है, ये मैंने मक्का लगाई थी। जो मैं मक्का दिखाता था आपको, उस मक्का से जब मैंने भुट्टे सब तोड़ लिए तो मैंने उसको इकट्ठा किया और सुखाया, और उसको जो बड़ी मशीन होती है काटने वाली, उससे कटवा कर मंगा लिया। ये करीब मेरे पास इसमें 15 क्विंटल के करीब मेरे को ये माल मिला है। 15 क्विंटल में अब मैंने इसको क्या किया, ये देखिए, ये इस तरह से जो इस पर बिछा दिया, कल मैंने इसको लेयर वाइज लगाकर, ये ध्यान से देखते हैं, ये देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें गर्मी आ रही है, इसमें फंगस आ गई है। ये फंगस क्यों आई है ये मैं बताता हूँ आपको क्यों आई है। इस पर मैंने हर 6 इंच की लेयर के बाद वेस्ट डिकम्पोजर छिड़कवाया और इस तरह से मैंने बैठा दिया। अब मैं हर 2 दिन बाद इसमें फावड़ा निकलवाऊंगा और इसको अध गला सड़ा बन जाएगा, ये 15 दिन में अध गला सड़ा बन जाएगा, जिसे मैं वर्मी कंपोस्ट में यूज करूँगा। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट सब बनाते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट की एक मैं आपको जो मेरे यहाँ है उसमें क्या डिफरेंस है ये मैं बताता हूँ। मैं अपने वर्मी कंपोस्ट में 20% कम से कम 15-20% मैं उसमें कार्बन पदार्थ डालता हूँ, जैसे ये है सर, इससे कार्बन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, मैं वर्मी कंपोस्ट में हमेशा वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करता हूँ। जो डॉक्टर किशन चंद्र है उनकी एक वीडियो है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा इसकी अपनी वीडियो के अंदर, और वहाँ पर उनकी एक जो उनके वर्कर हैं, जो साइंटिस्ट है, उसने टेस्ट कर दिखाया है कि अगर आप खाद में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं तो कार्बन की मात्रा 45-55% होती है, मात्र आपको वेस्ट डिकम्पोजर प्रयोग करे से। लेकिन अगर मैंने ये डाल दिया तो कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ गई, और जब कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है, एरिनेशन खूब होता है और पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पदार्थ। तो मेरे यहाँ के वर्मी कंपोस्ट में आपको 15-20% ये मिलेगी। इससे क्या होता है कि खाद बनने की प्रक्रिया कम से कम 15 दिन और ज़्यादा लगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक प्रमाण है, आप जाकर NCOP की डॉक्टर कृष्ण चंद्र की वीडियो में देख सकते हैं। अगर मैं खाली गोबर का बनाऊं तो मेरा बहुत जल्दी कम से कम 15 दिन पहले खाद बन जाए, लेकिन मैं नहीं बनाता, जो मैं प्रयोग नहीं करता वो मैं किसी को नहीं दे सकता। मेरे पास कुछ लोगों ने खरीदने का अप्रोच किया है तो मैंने कहा भाई अभी नहीं है, तो उन्होंने अक्टूबर के लिए प्रोमिस किया है, 2 बहुत अच्छे ऑर्डर मेरे पास हैं, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो 20% ये डालूंगा, और जिन्होंने प्रोम का ऑर्डर दिया है उसमें 20% मैं रॉक फॉस्फेट डालूंगा, और बाकी जो 60% है मैं ये देखूँ ये गोबर का खाद। ये देखिए, कल ही एक ट्रॉली मंगाया है, ये मैंने उसको कहा था कि भाई कम से कम 10 दिन पुराना होना चाहिए, तो चलो ये 5 दिन पुराना भी है, तो ठीक 10 दिन बाद इसको मैं आज थोड़ा फलवा दूंगा और इसकी सारी गैस निकल जाएगी, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और फिर इसे और इसे मिलाकर जो मेरे पास 6 बेड हैं, उन बेड में, आइए मैं आपको बेड दिखाता हूँ, उन 6 बेड में से 3 बेड मैं रॉक फॉस्फेट के यूज करके बनाऊंगा और 3 मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, इस प्रकार जो हमारा था, बारिश में थोड़ा भीग गया था, थोड़ा सा सूख नहीं रहा था, इस प्रकार हम इसको सुखाते हैं और आज शाम को इसे सुखाकर फिर कट्टों में डाल देंगे। तो ये हमारा प्रोम है, इसमें देखिए इसकी ये पहचान है कि ये रॉक फॉस्फेट की मिट्टी है, ये रॉक फॉस्फेट की मिट्टी। तो वेस्ट डिकम्पोजर ने इसको, चूंकि जो केचवा होता है, ये आइसिनिया फटीडा जो केचवा है, ये 10% मिट्टी खाता है, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से इसमें फॉस्फोरस फिक्स हो चुका है, और इसमें आपको 13% फॉस्फोरस मिलेगा और पूरा ऑर्गेनिक मिलेगा इसको। तो किसान भाइयों, जब भी कहीं से ले इस बात का ध्यान रखें। खाद है ये वाला, ये जो मेरा खाद है, ये देखिए, ये सिर्फ गोबर का बना हुआ है और इसमें पत्तियां हैं, ये देखिए ये, और इसमें अभी नीचे केचुए चले गए, ये देखिए मेरे मित्र केचुए, ये देखिए कितने केचुए, ये देखो,
दिखाई दे रहे हैं ना केचुए, ये देखिए कितने केचुए, ये सब केचुए हैं। तो ये नीचे चले गए हैं सब केचुए। ये मेरा रॉक फॉस्फेट वाला है, ये देखिए लगभग सारा खाद निकल चुका है, थोड़ा सा बचा है, ये देखिए इसमें ये बचा गया इसमें। और उधर चलना पीछे, हाँ ऊपर ऊपर का निकाल कर डाल लो, इसमें मिला। ये देखिए ये लगभग खाली हो चुका, मैंने इस तरह कर, बबीता इसको जरा हाथ से ये कर देना, ये जो डले से है ना इनको कर देना हाथ से। तो ये लगभग ख़त्म हो चुका, इसी तरह से मैं तीन बेड भी ख़त्म हो चुका, हाँ दिखाइए यहाँ देखिए। अब इनमें हम दोबारा से अपना वर्मी कंपोस्ट और रॉक फॉस्फेट का डालकर हम अपना खाद बनाएंगे, रखते हैं। बस थोड़ा दिखा दे इसको, चलो जिससे हम इसको खाद को झाड़ेंगे। ये देखो इसे झाड़कर हम कट्टों में भर देंगे। तो किसान भाइयों, ये थी मेरी आज की वर्मी कंपोस्ट की प्रस्तुति। वर्मी कंपोस्ट क्या है ये सब आपको पता है, बहुत सारी वीडियो है, मैं किस प्रकार बनाता हूँ और क्या इसमें सावधानी बरतता हूँ वो सब मैंने बता दी है। फिर भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिखिए, आपके उत्तर देकर मुझे खुशी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।